हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पूरे शरीर को गोरा करने का एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। इसकी मदद से आप अपने पूरी स्किन को गोरा, चमकदार और सुंदर बना सकते हैं, चाहे दोस्तों वो आपके हाथ पैर हों या आपका चेहरा। इस नुस्खे को आप किसी भी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं और इसका असर काफी तेजी से आपकी त्वचा पर होता है। दोस्तों, इस नुस्खे में मैंने जो भी चीजें ली हैं, सारी की सारी चीजें एकदम नेचुरली चीजें हैं। इनसे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये काफी पुराने समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। दोस्तों, जो भी चीजें हमने इसमें ली हैं, वो आपके घर में, आपको किचन में ही आसानी से मिल जाएगी। आपको भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और काफी कम पैसों में इस नुस्खे को आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है नुस्खा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इस नुस्खे में दोस्तों, आपको सबसे पहले खाली बाउल लेना है। इस खाली बाउल में आपको सबसे पहले जो चीज लेनी है वो दोस्तों बेसन। दोस्तों, बेसन हमारे त्वचा के लिए काफी उपयोगी होता है। इसका इस्तेमाल काफी पुराने समय से महिलाएं अपनी सुंदरता को निखारने के लिए करती आ रही हैं। बेसन की मदद से हमारी त्वचा पर जमा मैल, गंदगी और धूल मिट्टी जो है बाहर निकल जाती है। बेसन हमारे त्वचा के कालेपन को दूर करता है। बेसन हमारे चेहरे के मुहासों को जड़ से खत्म करता है। बेसन के छोटे छोटे कण त्वचा पर स्क्रब की तरह काम करते हैं, जिससे हमारी त्वचा गोरी, सुंदर और चमकदार बनती है। तो दोस्तों, एक चम्मच बेसन लेने के बाद में दूसरी चीज जो आपको लेनी है वो दोस्तों हल्दी पाउडर। आपको दोस्तों यहाँ पर सिर्फ इतनी सी मात्रा में हल्दी का पाउडर इसमें जो है ऐड करना है। हल्दी पाउडर भी दोस्तों काफी पुराने समय से इस्तेमाल में लिया जा रहा है। आपने देखा होगा, जब किसी की शादी होती है दोस्तों, तो लड़का और लड़की के जो है सबसे पहले हल्दी का जो है उपटन किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हल्दी की मदद से त्वचा में निखार आता है। हल्दी एक ऐसी चीज है जो हमारी त्वचा को काफी तेजी से गोरा, चमकदार बनाती है। हल्दी में काफी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हमारी त्वचा से दाग धब्बे, काले निशानों को दूर करते हैं, साथ ही चेहरे के पिंपल्स को भी रिमूव करते हैं और नए पिंपल्स निकलने से रोकते हैं। तो दोस्तों, दोनों चीजें लेने के बाद में आपको इसे पानी की मदद से इसका जो है पेस्ट बनाना है। तो आप यहां पर थोड़ा सा पानी लें और आपको इसे जो मिक्स करना है। आप इसे ज्यादा पतला जो पेस्ट ना बनाए। इस तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं, आपको जो इसका पेस्ट बनाना है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगली चीज जो लेनी है वो दोस्तों दही। दोस्तों, दही हमारे त्वचा के लिए काफी अच्छा होता है। दही की मदद से हमारी त्वचा से मैल, गंदगी बाहर निकल जाता है। दही हमारे त्वचा पर फेशियल की तरह काम करता है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो त्वचा से गंदगी को साफ करता है और त्वचा में नमी बनाए रखता है, जिससे हमारी त्वचा रूखी सूखी नहीं होती। तो आपको इसमें एक चम्मच दही जो है ऐड कर लेना है। अब दोस्तों, आपको सारी चीजों को मिक्स करके इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपका पेस्ट जो बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसे जो लगाने का तरीका दोस्तों वो ये है, आप जो है इस पेस्ट को नहाने से 15 मिनट पहले लगाएं तो काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपको इस तरीके से इस पेस्ट को लेना है और अपने पूरे हाथ पैरों के ऊपर इस तरीके से जो है अप्लाई करना है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक चम्मच बेसन का इस्तेमाल किया है। अगर आप इसे ज्यादा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2 चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सारी क्वांटिटी को डबल करके इस पेस्ट को बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, आपको लगाकर इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद में दोस्तों, आपको उंगलियों से इस तरीके से गोल गोल इसका जो है स्क्रब करना है। पूरे शरीर पर आपको इस तरीके से गोल गोल स्क्रब करना है, जिससे कि आपके त्वचा से जो मैल, गंदगी बाहर निकल जाए। फिर दोस्तों, इसके बाद में आप बिना साबुन की मदद से अपने पूरे बॉडी को जो है धोकर साफ कर लें। आपको साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए नए वीडियो, नई नई जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा कुछ ऐसा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।